है तो इस डोंगी पंप को हम रिस्टोर करने के बाद इससे हम हाई प्रेशर कार वॉशर बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने इसके हाई प्रेशर कार वॉशर बनाया हुआ है और वो भी बिल्कुल ऑटोमेटिक। इसको मैंने इस साइड पे एक ऑटोमेटिक स्विच इंस्टॉल किया हुआ है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। ये भी वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह बनाना है। यहाँ पे सिंक्शन पाइप मैंने इसको लगाया हुआ है जो इसको पानी में मैंने रखा हुआ है बाल्टी में, और ये इसका डिलीवरी पाइप है जिसके आगे मैंने एक वाल लगाया हुआ है। तो वाल को मैं बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका शू लगा लेता हूँ बिजली में। जैसे इसका प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, ये इस स्विच की वजह से ऑटोमेटिक बंद होता है। जैसे मैं यहाँ से अब वाल खोलूंगा तो वाल खोलने के बाद जो है ये मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। वाल बंद करूंगा तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है ये ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। जैसे मैं यहाँ से वाल बंद करता हूँ तो मोटर जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और इसका प्रेशर भी काफी हाई है। तो हाई प्रेशर कार वॉशर का जो मोटर है उसको हम ऑटोमेटिक कैसे ऑन ऑफ करेंगे, उसके लिए हम स्विच बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक आधी किटी की जरूरत पड़ेगी और दो गैस नोजल की जरूरत पड़ेगी और इस तरह कुछ क्लिप वगैरह की जरूरत पड़ेगी और एक हमने 3 इंच का जो है लोहे का कील लिया हुआ है और एक ये मेरे पास एक बटन है जो कि 10 एम्पियर तक जो है लोड उठा सकता है। तो ये बटन आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से मिल जाता है। इसमें ये छोटा सा बटन है, ये अंदर की तरफ करोगे तो ये ऑन होगा, जब ऊपर की तरफ कर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और इसका कवर जो है मैं पीवीसी शीट से बनाऊंगा। ये मेरे पास पीवीसी शीट है जो मैंने ऑलरेडी पाइप से बनाया हुआ है, पीवीसी पाइप से। तो इसके लिए जो है एक नोजल को इस तरह रबड़ लगाऊंगा। तो ये मैंने मोटरसाइकिल का जो ट्यूब होता है उसे गोल काट दिया है कैंची के जरिए। तो आप भी इस तरह मोटरसाइकिल का कोई भी जो है ट्यूब से इस तरह इतना सा वॉशर बना सकते हैं जो इसके बराबर हो। तो इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ ग्राइंडर से। तो इसको ग्राइंडर के साथ मैंने काट दिया है और इसको मैंने बिल्कुल प्लेन किया है। तो अब इसके ऊपर हम इस रबड़ को इस तरह पहले एलपी से चिपकाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, इसको एलपी के साथ चिपकाएंगे और इसके साथ आगे हम क्या क्या करेंगे तो ताकि आपको वीडियो में से कोई भी चीज जो है मिस ना हो जाए। तो इसके बाद जो है ये मेरा पास दूसरा नोजल है, इससे मैं छोटा सा पीस यहाँ पे काट लेता हूँ। मुझे इसकी चूड़िया खाली जरूरत है तो इसलिए मैं इसे ग्राइंडर के साथ ये चूड़िया काट लेता हूँ। तो आपको रिब्लेड से भी काट सकते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा पाइप है, इसको मैं इसमें अंदर की तरफ से लगाऊंगा। इसका सुराख थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ये कील जो है लूज है तो इसलिए मैं इसमें ये प्लास्टिक लगा दूंगा और इसके लगाने के बाद मैं इसमें ये कील लगा दूंगा। तो ये अब इसमें थोड़ा सा सख्त हो गया। तो इसमें ये कील डालने से पहले जो है हमने इसमें एक स्प्रिंग डाल लेना है ताकि वो स्प्रिंग जो है इसको पीछे की तरफ खींचे। तो अभी मैं आगे आपको बता देने वाला हूँ कि हमने इसके साथ क्या करना है। पहले जो है हम यहाँ से इसमें एक स्प्रिंग डाल लेते हैं। तो ये टेस्टर वाला स्प्रिंग मैं निकाल लेता हूँ इसमें। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा काट देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है। और इस तरह ये स्प्रिंग मैंने इसमें डाल लिया और इसको मैंने इसमें अंदर लगा दिया। तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है इसको मैं यहाँ से दबाता हूँ तो ये वापस बैक आता है। तो जैसे हमारे फ्रेशी पानी का प्रेशर बनेगा तो इसको ऊपर करेगा तो हमारा बटन ऑफ होगा। तो पानी का प्रेशर जैसे हम वहां दोबारा खोलेंगे तो ये फिर नीचे होगा तो हमारा बटन जो है फिर से ऑफ ऑन हो जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी एक वॉशर काटा हुआ है, मोटरसाइकिल का जो ट्यूब होता है उससे मैंने ये वॉशर काटा हुआ है। तो उसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह लगा लेता हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा एलपी भी लगा देता हूँ। और अब जो है मैंने इसको इसमें अंदर लगाना है, लेकिन इससे पहले जो मैंने दूसरे नजर से ये चूड़िया काटी इस चूड़ियों को इसमें अंदर लगा दूंगा और इसके ऊपर फिर ये टेट कर दूंगा। तो ये जो रबड़ का वॉशर है ये इन दोनों के आपस में इस तरह आ जाएगा तो ये अच्छी तरह से जो है पैक्स हो जाएगा। तो फिर ये वॉशर न नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा, जितना भी प्रेशर हो तो इस वॉशर से लीकेज नहीं होगा। तो पहले जो है मैं इसमें ये चूड़िया जो है नीचे तक लगा देता हूँ। तो यहाँ तक इसमें मैंने लगा दी, अब मैं इसको इसके ऊपर इस तरह टेट कर लेता हूँ। तो इसको टेट टेट करने से पहले मैं इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ ताकि इस चूड़ियों में भी बैक लीकेज ना आए।
तो वॉशर जो है वो इसमें अंदर अच्छी तरीके से जो है फंस चुका है और इसमें लीकेज भी नहीं है, इसको मैंने चेक किया। तो अब जैसे प्रेशर पानी का बढ़ेगा तो ये कील ऊपर की तरफ आएगा, तो इसके ऊपर हम अपना ये स्विच लगाएंगे, तो ये स्विच को ऑफ करेगा तो मोटर ऑटोमेटिक ऑफ होगा। तो इसके ऊपर हम बाकी चीज अब पीवीसी पाइप से बना लेते हैं। तो इसके बाद हम इस बटन को यहाँ पे इस तरह फिट करेंगे, और ये जो हमारे पास ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर के अंदर वाला जो लोहा है ये मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो इसको हम इसमें यहाँ पे लगा के और इस बटन के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये इस तरह इस बटन को ऑन ऑफ करेगा। तो यहाँ से जो पातू कील है इसको मैं इसे आगे काट देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसके लिए पीवीसी शीट से जो है कवर बना लेता हूँ। तो इसमें मैं पहले सुराख कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसको काट लेंगे। तो ये इसके लिए बहुत परफेक्ट बन चुका है। अब इसको मैं यहाँ से शेडो से काट लेता हूँ और इसके लिए बाकी पीस भी बना लेता हूँ। तो इसको मैंने चौरस काट दिया। तो अब इसके ऊपर बटन इस तरह लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी दो पीस काटे हुए हैं, तो एक पीस मैं इस साइड पे लगा देता हूँ इस तरह, और दूसरा पीस जो है मैं इस तरह लगा देता हूँ। इसको मैं एलपी के साथ, इसको मैं एलपी के जरिए जोड़ूंगा। तो एलपी से पहले मैं इसको के ऊपर यहाँ पे एक पेच लगा देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं एलपी लगा लेता हूँ और एलपी के जरिए मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो अभी जो है हम इसको लिए जल्दी जल्दी से कवर बना लेते हैं पीवीसी पाइप से। अब यहाँ पे जो पीस लगाएंगे इसमें भी यहाँ पे दो सुराख कर लेते हैं कनेक्शन वायर के लिए। तो चलिए पहले इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो इस कनेक्टर के जो दो साइड है इसके ऊपर मैं दो तारे लगा लेता हूँ और इस बटन के साथ अटैच कर लेता हूँ। तो कनेक्शन लगाना बिल्कुल सिंपल है, जो काला बटन है उसके एक पिन पे हमने एक तार लगाया और दूसरे पिन पे दूसरा तार लगाया, और दोनों तारों को हमने कनेक्टर में लगाया। तो कनेक्टर से जो आउट तारे है इसको हम मोटर के स्विच के जरिए यूज करेंगे, जैसे प्रेशर हाई होगा तो हमारा स्विच ऑन ऑफ करेगा। तो इस कनेक्टर को कुछ इस तरह लगा लेना है, यहाँ से ये दो नट नजर आ रहे हैं, यहाँ से इसको हम खोल के और बंद करेंगे और इस साइड से हम इसको मोटर का कनेक्शन लगाएंगे। तो ये सिर्फ ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से एक तार आएगा और यहाँ से आउट मोटर की तरफ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा एलपी यहाँ पे लगा देता हूँ, और अब नीचे वाले साइड पे मैं यहाँ पे इस तरह ढक्कन लगा लेता हूँ। तो अब जो है ये साइड दोनों में गोल कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं शीशा सा लगा देता हूँ ताकि ये अंदर जो चीजें है ये हमें नजर आए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अब यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको जितना भी प्रेशर चाहे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये जो कील मैंने लगाया था स्विच ऑन ऑफ करने के लिए इसके ऊपर मैं ये लगा देता हूँ। तो ये नट बोल्ट जो है इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप इसमें जितना प्रेशर चाहे लगा सकते हैं। तो अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है जब इसको नीचे से प्रेशर मिलेगा तो ये ऊपर होगा, तो ये टिक का आवाज आप लोगों ने सुना, तो इस टाइम बटन बंद हो गया। जब मैंने इसको दोबारा छोड़ा फिर ऑन हो गया। तो ऐसे में जैसे नीचे से इसको प्रेशर मिलेगा पानी का तो ये ऊपर होगा इस तरह और मोटर को ऑफ करेगा। मतलब अगर हम मोटर का बटन बंद किए बगैर भी हम उसका आगे से वाल्व बंद करेंगे तो ये प्रेशर बनाएगा, जैसे इसको जैसे ये ज्यादा प्रेशर बनाएगा तो प्रेशर बनाने के साथ साथ ये केल ऊपर होगा और ऊपर आने के साथ साथ ये ऑटोमेटिक यहाँ से स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये आप जितना प्रेशर ज्यादा चाहिए उतना आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको अगर ज्यादा प्रेशर चाहिए तो उसको नीचे करें, अगर आपको कम प्रेशर चाहिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके छोड़े। तो इसके ऊपर ये मैंने शीशा लगा लिया जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक पेच लगा दूंगा, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो पेच खोलेंगे और वो नीचे जो नट नजर आ रहा है इसको हम इसको नीचे ऊपर करेंगे। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे छोटा पेच लगा देता हूँ। तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर पंप का स्विच तैयार हो चुका है, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इसको जो है अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको सेक्शन पाइप भी मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, और इसके डिलीवरी पाइप के ऊपर मैंने ये स्विच इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके आगे जो है मैंने एक नॉर्मल वाल लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं वाल को बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका शू लगा लेता हूँ बिजली में। तो बिजली में मैं शू लगाऊँ, जैसे इसका प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
तो ये अल्टरनेटर बंद हो चुका है, ये इस स्विच की वजह से अल्टरनेटर बंद होता है। जैसे मैं यहाँ से अब वाल्व खोलूंगा तो वाल्व खोलने के बाद जो है ये मोटर अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाएगा, वाल्व बंद करूंगा तो मोटर अल्टरनेटर बंद हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है ये अल्टरनेटर ऑन हो चुका है। जैसे मैं यहाँ से वाल्व बंद करता हूँ तो मोटर जो है अल्टरनेटर बंद हो जाता है और इसका प्रेशर भी काफी हाई है। तो फुल ऑटोमेटिक हाई प्रेशर कार वॉशर है और इसके ऊपर अभी मैं इसका ये जो नोजल है आप इसको नोजल भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसको मैंने गैस वाला नॉर्मल नोजल लगाया हुआ है तो इसका सर मैं इस तरह पंच कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि इसका प्रेशर किस तरह आता है। और जैसे मैं यहाँ से वाल ऑन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो बहुत 2 सेकंडों के हिसाब से बिल्कुल साफ हो चुका है, तकरीबन 20 फुट तक इसका प्रेशर जा रहा है ऑलरेडी। जैसे मैं यहाँ से वाल बंद करता हूँ तो ऑटोमेटिक हमारा मोटर बंद हो जाएगा। जैसे मैं वाल बंद करता हूँ तो मेरा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।